साथियों नमस्कार, प्रणाम, सभी को नमन। मैं प्रेम सिंह आर्य, जिला संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी, एससी मोर्चा, भरतपुर। अभी दीपावली का पर्व नज़दीक है। इस दीपावली के स्व अवसर पर मैं भरतपुर की समस्त जनता जनार्दन को अपील करता हूं कि हमें इस COVID-19 के नियमों की पालना करनी है, डिस्टेंस बना के रहना है, मास्क लगा के रखना है और साथ ही हैंड सैनिटाइज करना है। इन नियमों की पालना करते हुए मैं भरतपुर की समस्त जनता जनार्दन को दीपावली की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आर्य साहब, आप भरतपुर BJP के जिला संरक्षक पद पे आप ऐसी मोर्चा से आप आसीन हैं, तो हम आपसे सबसे पहले तो हमारे जो चैनल है बहुजन इंडिया न्यूज, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जी मोदी सरकार का जो कृषि बिल जो किसानों के हित में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बहुजन इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं समस्त किसान भाइयों को, बहनों को बताना चाहता हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये किसान सुधार बिल विधेयक पारित किया है। ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, उनके हितों की रक्षा की है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी विधेयक पारित होता है तो सबसे पहले विशेषज्ञों के द्वारा उनसे विचार मांगे जाते हैं और फिर मंत्री महोदय के द्वारा उस विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है और दोनों सदनों से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाता है, तब वो विधेयक पारित होता है। माननीय मोदी जी ने इन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल विधेयक पारित किया है। किसान पूर्व में इतने परेशान थे कि न तो उनको उचित मूल्य ही मिलता था, जो उपज जो पैदावार करते थे उसका समय पर मूल्य नहीं मिल पाता था। इसको भी उन्होंने ध्यान में रखा है कि अब किसान भाई अपनी उपज को कहीं भी, कभी भी और किसी को भी बेच सकते हैं। ऐसा विधेयक में नहीं है कि अब भी हम कोई आढ़तियों को या मंडी में नहीं बेच सके। आज भी छूट है, लेकिन पहले वो जो आढ़ती लोग सीमित मात्रा में थे, तो जब हम अपने माल को मंडी में ले जाते तो वो सस्ती दरों पर दलाल बन करके खरीद लिया करते और वो स्टॉक कर लिया करते और जब समय आने पर ऊंची दरों में बेचा करते थे। आज मंडी में ही नहीं, कहीं भी बेच सकते हैं। उद्योगपति भी घर जा कर के भी खरीद सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से भी पहले ही हम अपनी उपज का सौदा तय कर सकते हैं। तो अब हम चाहे कंपनी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे आढ़ती लोग हों, हम कहीं भी बेच सकते हैं। पहले उपज को हम दूसरे स्टेट में या दूसरे ज़िले में ये बंदी होती थी, लेकिन आज इसके लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। अब किसान कहीं भी और कभी भी और किसी को भी बेच सकता है। इससे किसानों को लगभग दोगुना लाभ होगा। इस बिल विधेयक पारित होने से हम जनता के बीच में जब संपर्क करते हैं तो उनके बहुत ही खुशी का माहौल है और वो इस बिल विधेयक को
पारित होने पर माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं भी अपने पार्टी की ओर से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से माननीय मोदी जी को इस विधेयक के पारित होने पर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य साहब, आपको हमारे चैनल पर अपना साक्षात्कार और अपने विचार संबोधन जनता के सामने रखे और कृषि बिल पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से बताया, धन्यवाद आपको। आर्य साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है केंद्र सरकार का, क्या उससे कम कीमत पे अनाज या किसान की फसल थोड़ी बिकेगा, इसके बारे में आप बताएं। कुछ सुनने में ऐसा आता है कि समर्थन मूल्य का उसमें कोई जिक्र नहीं है कृषि बिल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ये प्रश्न आपका बड़ा ही उचित है और विरोधी पार्टियां इससे जनता को, किसानों को भ्रमित करने में भी लगे हुए हैं। इसलिए मैं आज इस चैनल के माध्यम से अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि जो MSP जो समर्थित मूल्य निर्धारित किया है, उस मूल्य से कम अब किसान का अनाज नहीं बिकेगा, क्योंकि अब छूट दे दी गई है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर पहले ही उद्योगपति या किसान भाई मिलकर के भी एक संगठन बना, समूह संघ बना करके, और वो खरीद सकते और उससे और भी उस पैसे का उत्पादन कर सकते हैं। उद्योगपति भी घर जा कर के भी खरीद सकते हैं, मंडी में भी ले जा सकते हैं, या समर्थित मूल्य के जो केंद्र हैं वहाँ भी बेच सकते हैं। इसलिए जो पहले जो लिमिटेशन था कि इतने से अधिक हम नहीं खरीदेंगे, और किसान चक्कर लगाता, अप्रोचेबल व्यक्ति वो उस लेवी पर, समर्थित मूल्य पर दे दिया करते, गरीब फिर भी घूमा करते, और उनको वो जो सीमित उन आढ़तियों के पास मंडी में ही बेचना पड़ता था। तो इस चीज़ का बिल्कुल समाधान कर दिया है, अब समर्थित मूल्य से कम मूल्य पर किसान का अनाज नहीं बिकेगा। ये किसान भाइयों के लिए माननीय मोदी जी ने एक तोहफा दिया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसानों के हितों की रक्षा की है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम सिंह आर्य, जिला संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी, SC मोर्चा, भरतपुर।